मूवी के स्टार्टिंग में हम एयरपोर्ट में देखते हैं डेक्कन फ्लाइट को लैंड करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं और तभी मूवी का हीरो नेडू मारन उसे मिलिट्री एरिया में लैंड करने के लिए कहता है और बिना परमिशन के मिलिट्री एरिया में लैंड करने की वजह से मिलिट्री ऑफिसर्स उसे मार के अरेस्ट कर लेते हैं और यही सस्पेंस के साथ मूवी 6 साल पीछे जाता है, जहाँ हम देखते हैं मूवी का हीरोइन अपने फैमिली के साथ अपने लिए रिश्ता देखने मारन के घर आती है और मारन लड़की वालों को सब सच बताते हुए कहता है सरकार डैम बनाने के लिए उनका ज़मीन लेके ये बंजर ज़मीन दिए हैं और कहता है उसके पास एरोप्लेन बनाने का आइडिया के अलावा और कुछ भी नहीं है। और ये सब सुन के मूवी का हीरोइन जिसका नाम भूमि है वो कहती है मैं अपना खुद का बेकरी ओपन करना चाहती हूँ। और फिर रात को भूमि मारन के पास आती है और उससे पूछती है जब गांव में इतना बड़ा घर है तो फिर यहाँ पे क्यों रहते हो जहाँ बिजली नहीं है। और जवाब में वो कहता है 20 साल पहले वहाँ पे भी बिजली नहीं थी। मारन के पिता मास्टर थे, वो सरकार को चिट्ठी लिख के बिजली ले आए और उनके गांव में ट्रेन तक नहीं रुकती थी। मास्टर जी ने कई खत लिखे पर सरकार ने जवाब नहीं दिया, इसीलिए मारन और उसके दोस्त शोलावदन स्टेशन पर ट्रेन रोकने के लिए ट्रेन पर पत्थर मारते हैं और तभी उसके दोस्त को चोट लग जाती है। मास्टर जी मारन को घर लाते हैं और उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होता है और इसीलिए गुस्से में मारन घर छोड़ के चला जाता है। घर छोड़ने के बाद मारन नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करता है और उसके बाद एयरफोर्स में ज्वाइन करता है। मारन अपने घर के लिए एक चिट्ठी लिखता है जिसमें वो अपने माँ से कहता है माँ मैं पायलट बन गया हूँ और मैं अभी अभी एग्ज़ाम दिया हूँ और यहाँ नायडू नाम का एक ऑफिसर है वो भी बापू की तरह टॉर्चर करता रहता है। मारन को दो बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं एयरफोर्स में। एक महीने में एक बार वो भी सिर्फ 3 मिनट के लिए कॉल करने का मौका मिलता है। मारन अपने घर पर कॉल करता है पर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से बात नहीं हो पाता। और उसके बाद हम देखते हैं आर्मी ट्रेनिंग कैंप में मारन ऑफिसर नायडू को सजेशन देता है और इसीलिए ऑफिसर नायडू मारन और उसके दोस्त को ग्राउंड के 100 चक्कर काटने के लिए कहते हैं और इसीलिए मारन उससे झगड़ा करके काम छोड़ देता है। और उसके बाद हम देखते हैं भूमि मारन से कहती है पहले अपने अपने सपने पूरा करेंगे उसके बाद शादी करेंगे, इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं मारन का लोन अप्रूवल होने के लिए ऑफिसर नायडू का सिग्नेचर चाहिए और इसीलिए वो अपने दोस्त के साथ ऑफिसर नायडू के पास जाते हैं पर वो सिग्नेचर नहीं करते, इसीलिए वो गुस्से से वहाँ से आ जाता है। फिर मारन जैस एयरलाइन के फाउंडर परेश गोस्वामी से मिलने के लिए 20,000 रुपये का बिजनेस क्लास टिकट खरीदता है। एयरपोर्ट में मारन को एक रिपोर्टर से मुलाकात होता है। मारन फ्लाइट में परेश गोस्वामी से बात करता है, वो उन्हें लो कॉस्ट एयरलाइन शुरू करने का प्लान बताता है। मारन के प्लान के हिसाब से टिकट का प्राइस एक ट्रेन टिकट से भी कम रहेगा। परेश गोस्वामी चाहता तो मारन का साथ दे सकता था पर वो देता नहीं क्योंकि वो पैसे कमाना चाहता था और वो मारन को इंसल्ट करता है। और उसके बाद हम देखते हैं एयरपोर्ट में मारन को SCI वेंचर प्रकाश बाबू मिलता है। वो मारन से कहता है मैं भी उसी फ्लाइट में था, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर मारन प्रकाश बाबू को एक छोटा सा होटल ले जाता है अपना आइडिया समझाने के लिए, जहाँ पे वो प्रकाश बाबू को एक डोसा खिलाता है और वो डोसा बाबू को बहुत पसंद आता है। तभी मारन बताता है इसी डोसा का प्राइस यहाँ 20 रुपये है और यही डोसा 5-स्टार होटल में 200 रुपये का है, इसी फॉर्मूला पे हमारी एयरलाइन काम करेगी। और वो बताता है हमारी फ्लाइट को हम एकदम लाइट रखेंगे, नो एक्स्ट्रा फूड और नो एक्स्ट्रा स्टाफ। दूसरी एयरलाइन दिन में 2 ट्रिप करते हैं तो हम दिन में 6 ट्रिप करेंगे। और प्रकाश बाबू मारन के इस आइडिया से इम्प्रेस होके मान जाता है। फिर मारन भूमि से मिलने उसके घर जाता है और जहाँ पे वो देखता है भूमि ने अपना खुद का बेकरी ओपन किया है। पहले तो भूमि बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है और ये सुन के मारन वहाँ से चला जाता है। जब मारन को पता चलता है कि भूमि का शादी नहीं हुआ तो वो भूमि से बात करता है और उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वो दोनों एक बड़ी सी जगह पर बेकरी ओपन करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं मारन प्रकाश बाबू के बोर्ड मीटिंग में उनके स्टाफ को अपने आइडियाज़ बताता है और मीटिंग में वो पूछते हैं एक सेकेंड हैंड प्लेन भी 90 करोड़ का आता है
तो सिर्फ 10 करोड़ में क्या होगा? और जवाब में मारन कहता है, हम फ्लाइट को खरीदेंगे नहीं, लीज पर लेंगे। अगर फ्लाइट 70% फुल हो तो भी बाकी एयरलाइन की तरह 12 करोड़ का रेवेन्यू होगा, इसका मतलब 4 करोड़ का प्रॉफिट। और वो पूछते हैं, आप प्लेन को कौन सी कंपनी से लीज पर लेंगे? और मारन बताता है, प्लेन एएम। ट्विन टावर अटैक के बाद उनका बिजनेस पर बहुत बुरा असर हुआ है, वो अपने प्लेन आधी कीमत पर हमें देने के लिए तैयार है। फिर हम देखते हैं प्रकाश बाबू मारन को बुला के कहता है उन्होंने फंड सैंक्शन कर दिया है, और मारन को DGCA से लाइसेंस लाने के लिए कहता है, और वो मारन से कहता है फंड रिलीज होने में 6 महीने का समय लगेगा, और इसीलिए कैसे भी पैसे अरेंज करके प्लेन्स को लाने के लिए कहता है। और इसीलिए मारन अपने घर और खेत को गिरवी रख के 47 लाख अरेंज करके प्लेन का काम शुरू करवाता है। DGCI ऑफिसर मारन को लाइसेंस के लिए उसे हफ्ते भर वेट करवाते हैं, और इसीलिए मारन रिपोर्टर चित्र रामास्वामी की मदद से प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी से मिलने जाता है। मारन प्रेसिडेंट को अपनी कहानी बताते हुए कहता है, जब मारन एयरफोर्स में था तो उसको पता चलता है कि उसके पिता का तबीयत बहुत खराब है और वो अपने अंतिम पड़ाव पर है, और इसीलिए वो अपने पिता से जल्द मिलना चाहता था। पर मारन के पास सिर्फ 6,000 रुपीज़ था, और इकोनॉमी क्लास के टिकट फुल होने की वजह से सिर्फ बिजनेस क्लास के टिकट अवेलेबल था, और उसका कॉस्ट 12,000 रुपीज़ था। और इसीलिए मारन एयरपोर्ट में सबसे पैसों के लिए मदद मांगता है, पर कोई उसका मदद नहीं करता, और इसीलिए मारन बाय रोड घर जाता है, और जहां उसको बहुत समय लग जाता है। और जब तक वो घर पहुँचा तब तक उसके पिता इस दुनिया से निकल चुके थे। ये सब सुनने के बाद प्रेसिडेंट तुरंत मारन के DGCA लाइसेंस पर सिग्नेचर करने का आदेश देते हैं। एक दिन एयर शो में परेश गोस्वामी और विमल बालैया मारन का मजाक उड़ाते हैं। फिर चैतन्य मारन को कॉल में बताता है उनकी डील कैंसिल करके 3 दिन में प्लेन वापस ले जाएंगे, क्योंकि इंडियन DGCI ने प्लेन AM को उनका प्लेन ब्लूप्रिंट सबमिट करने का आदेश दिया है। इंडियन गवर्नमेंट उन्हें 50 लाख का फाइन भी लगा देता है। मारन DGCI ऑफिसर से बात करता है पर कुछ नहीं होता। फिर मारन प्रकाश बाबू से मिलता है, और तभी मारन को पता चलता है प्रकाश बाबू ने परेश गोस्वामी के कहने पर मारन को अपने बातों में फंसाकर बर्बाद कर दिया है, और अब मारन के पास पूरे पैसे खत्म हो चुका है। और उसके बाद हम देखते हैं घर पर भूमि मारन को सलाह देते हुए कहती है, उनके पड़ोसी बच्चों को IAS एग्ज़ाम के लिए कोचिंग देने का बात करती है, और साथ में ये भी कहती है इससे कुछ पैसे भी मिल सकता है। और ये बात सुनकर मारन को बहुत गुस्सा आता है, और गुस्से में मारन भूमि पर हाथ भी उठाता है, और साथ में घर से चले जाने के लिए भी कहता है। थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो वो भूमि को ढूंढने लगता है, पर उसको भूमि कहीं नहीं मिलती। कुछ समय बाद मारन उदास होकर अपने घर वापस आता है, तो वहाँ वो अपनी भूमि को देखता है, और तभी भूमि बताती है कि वो अब प्रेग्नेंट है, और इसी बात से उन दोनों का लड़ाई भी ख़त्म होता है, वो दोनों बहुत खुश भी होते हैं। एक दिन सुबह जब मारन चिड़िया को देखता है तो उसको एक आइडिया आता है। चिड़िया ना बड़ी होती है और ना ही ऊँचाई तक उड़ती है, इसीलिए कम खाने से भी उसका काम चल जाता है। ठीक वैसे ही मारन अब इंडिया में छोटे प्लेन उड़ाने के बारे में सोचता है। छोटे प्लेन्स में कम फ्यूल यूज़ होता है, और जिससे टिकट और सस्ता हो सकता है। मारन अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करके कार्गो फ्लाइट्स को पैसेंजर फ्लाइट्स में कन्वर्ट करने के बाद कहता है, पर इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम था, टर्बोप्रॉप्स को ज़्यादा देर हवा में नहीं उड़ा सकते, और इसीलिए वो चेन्नई से विजयवाड़ा, फिर नागपुर और लास्ट में दिल्ली जाने का डिसीजन लेते हैं। उसके बाद परेश गोस्वामी को पता चलता है जो कार्गो प्लेन वो खरीद रहा था उन्हें पैसेंजर प्लेन की ऑफर दे के बुक कर लिया गया है, इसीलिए वो अनंतु जो DGCI ऑफिसर है उनको कॉल करने के लिए कहता है। और अनंतु परेश गोस्वामी से कहता है टर्बोप्रॉप इंटरनेशनल और NSE एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच जॉइंट वेंचर करके सुंदरी नाम पर कंपनी रजिस्टर है, और परेश गोस्वामी कहता है वो प्लेन यहाँ लैंड नहीं होना चाहिए, कैसे भी करके वो प्लेन को रोकने के लिए कहता है। एक दिन मारन के मामा मारन को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 11,500 रुपये देते हैं, जो कि ये उसका अब तक का पूरा सेविंग्स था,
और तभी चैतन्य बताता है हमें कंपनी शुरू करने के लिए 3 करोड़ रुपए चाहिए। और ये सारे बात उनके गांव के एक दोस्त सुन लेता है और यही बात वो गांव में सबको बता देता है। और इसीलिए शूलावदन के सारे लोग अपने अपने घर और खेत को बेच के जितना हो सके उतना पैसे मारन को भेजने लगते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं मारन का दोस्त उसको बताता है लोग हमारे कॉल सेंटर पर कॉल करके टिकट बुक कर सकते हैं, एक PNR जनरेट होगा, उसे वो बैंक या सुपरमार्केट से कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मारन ट्रेन एजेंसी ऑफिसर से बात करके रेलवे रिजर्वेशन के पास एक छोटा सा काउंटर लगाने का परमिशन लेता है। मारन तूतुकुड़ी के पुराने एयर स्ट्रिप को अपनी प्लेन लैंडिंग के लिए रेडी करवाता है और वो रिटायर्ड मिलिट्री एविएटर्स को अपने पायलट बना लेता है। दरअसल एयरफोर्स पायलट 57 ईयर्स पर रिटायर्ड होते हैं पर सिविलियन पायलट 61 ईयर्स पर रिटायर्ड होते हैं और इसीलिए वो अभी 4 साल प्लेन उड़ा सकते हैं। और उसके साथ साथ भूमि ने मारन से बात करके प्लेन का फूड कॉन्ट्रैक्ट भूमि केटरिंग को देने के लिए कहती है। और उसके बाद हम देखते हैं 3 अगस्त 2003 में चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मारन का प्लेन लैंड करने वाला था पर उन्हें एयरपोर्ट में लैंड करने की परमिशन नहीं देते। और हमें यहाँ पता चलता है इसका पीछे परेश गोस्वामी का हाथ है, इसीलिए मारन अपने प्लेन को मिलिट्री एरिया में लैंड करवाता है और उन्हें इस जुर्म में अरेस्ट भी करवा लेते हैं और उन तीनों को ऑफिसर नायडू के पास लेके जाते हैं। उन तीनों को इस जुर्म में 10 साल तक का जेल हो सकता था पर नायडू उनको माफ कर देता है, पर बिना परमिशन के लैंडिंग के लिए उन्हें 25,000 फाइन और वो भी एयरलाइन शुरू होने के 3 महीने बाद भरने के लिए कहते हैं, क्योंकि ऑफिसर नायडू को पता था मारन गलत नहीं है और मारन का काम ऑफिसर नायडू को बहुत पसंद आता है। और उसके बाद हम देखते हैं मारन अपने एयरलाइन ओपनिंग में मिनिस्टर को इन्वाइट करने जाता है और मारन उनसे कहता है आजकल 75% फ्लाइट्स खाली उड़ता है और इन खाली सीट्स को मैं सिर्फ 1 रुपए में सेल करूं और जो लोग पहले एडवांस में बुक करेंगे उनको भी मैं सिर्फ 1 रुपए में ही सेल करूं, जिसके पूरे होने में 500 रुपीज़ की टिकट खुल जाएगी और उसके बाद 1,000 वाली टिकट। और जिस पे मिनिस्टर कहता है अगर तुम 10 लोगों को 1 रुपए में टिकट सेल किए और बाकी को 1,000 में तो उनको लगेगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। और जिस पे मारन कहता है 3 प्लेन दिन में 10 ट्रिप में 300 लोग एक दिन में सिर्फ 1 रुपए में फ्लाई कर सकते हैं और हमारे प्लेन के सबसे कॉस्टली टिकट भी ट्रेन के टिकट से कम रहेगी। और मारन का ये बात मिनिस्टर को अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं डेक्कन एयर का लॉन्च मिनिस्टर ही करते हैं और इतना ही नहीं फर्स्ट फ्लाइट में मिनिस्टर भी ट्रैवल करते हैं पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फ्लाइट के इंजन में धुआं निकलने लगता है और वो प्लेन को रोकते हैं। और जब मारन इंजन चेक करता है तो उसको पता चलता है उनका सीनियर पायलट पैसे की वजह से इंजन में ऑयल नहीं डाला। और उसके बाद मारन सीनियर पायलट से बात करता है। उसके बाद हम देखते हैं मीटिंग में सीनियर पायलट अपना गलती मान लेता है। न्यूज़ और पेपर में डेक्कन एयरलाइन के बारे में बहुत नेगेटिव रिपोर्टिंग लिखते हैं। फिर ऐसे में एक दिन मारन की कंपनी को विमल बलिया ने 30 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए ऑफर देता है पर मारन उसे रिजेक्ट कर देता है। मारन रिपोर्टर चित्र रामास्वामी के मदद से रेडियो में अपने एयरलाइन कंपनी के पीछे का सच और अपने सपने के बारे में सबसे बताता है और वो कहता है हमारे प्लेन बड़े सिटी जैसे सिर्फ चेन्नई और दिल्ली नहीं हर एक छोटे गाँव तक जाएगा और जिससे एयर कनेक्टिविटी बढ़े, जिससे भारत का हर गांव तरक्की करे। और उसके बाद हम देखते हैं मारन 3 दिन से बिना सोए अपने प्लेन को बचाता रहता है ताकि कोई और प्लेन से छेड़छाड़ ना कर सके। और तभी हम देखते हैं ऑफिसर नायडू अपने मिलिट्री टीम के साथ वहां पे आते हैं ताकि वो प्लेन की रक्षा कर सके और मारन को रेस्ट करने के लिए कहते हैं। अब फाइनली 25 अगस्त 2003 को DA-581 उड़ने वाली थी पर उसमें कोई पैसेंजर्स नहीं आते और मारन अपना हार मान लेता है। तभी उसका दोस्त वहां आके बताता है चेन्नई वाले फ्लाइट के बुकिंग में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बुकिंग कंफर्म नहीं हुआ था पर डेक्कन एयरलाइन के फ्लाइट नंबर DA-582 मदुरई से चेन्नई और फ्लाइट नंबर 589 विजयवाड़ा से चेन्नई आने वाले फ्लाइट पूरी तरह फुल रहता है और फ्लाइट में आम लोगों को जर्नी करते हुए देखकर मारन बहुत खुश होता है।
और उसके बाद मारन को परेश गोस्वामी बिजनेस प्रपोजल लेके कॉल करता है, पर मारन उसे रिजेक्ट कर देता है और मूवी इसी के साथ एंड होता है। कैप्टन गोपीनाथ और उसके फ्रेंड की वजह से मिडिल क्लास पीपल प्लेन के टिकट खरीदे थे। 3 साल में एयर डेक्कन ने 45 एयरक्राफ्ट्स के मदद से हर रोज 25,000 पैसेंजर्स को ट्रैवल करवाया, जो दिन में 380 टाइम्स फ्लाई करती थी। कैप्टन गोपीनाथ ने इंडिया में पहली बार लो कॉस्ट एयरलाइन शुरुआत की और 70% मिडिल क्लास लोगों को प्लेन में ट्रैवल करवाया। फर्स्ट ईयर कैप्टन गोपीनाथ की वाइफ ने एयर डेक्कन पर उनका बेकरी द बर्न वर्ल्ड का फूड सेल करके 7 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। कैप्टन गोपीनाथ की वजह से 30 लाख लोगों ने 1 रुपए में प्लेन में ट्रैवल किया था। 15 साल के बाद भारत सरकार ने उड़ान प्रोजेक्ट शुरू किया और जिसका मोटिव इंडिया के हर लोगों को प्लेन में ट्रैवल करवाना था। अब कैप्टन गोपीनाथ इंडियन गवर्नमेंट का चीफ एडवाइज़र बने हैं और ये है कैप्टन गोपीनाथ का कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।